आली पाहिजे एक ऍटलीस्ट एक ते दोन बोट आत मध्ये गेले पाहिजे ठीक आहे हे बघा हां स्टार्ट बटन ठीक आहे 30 हां इथे लिहिलेलं आहे हे बघ हां ठीक आहे 30 सेकंद ते 1 मिनिटामध्ये पूर्ण कधीही होऊ शकतं ठीक आहे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर रीड इंडिया ने बहुत अच्छा कोर्स बनाया है अच्छा डिजाइन किया है इसमें जो बेसिक सिलेबस है जो हर गांव में जो पेरी पेरी में दूर दराज तक जिसके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ ये सीख के एज अ डॉक्टर से भी ज्यादा बढ़िया रोल प्ले कर सकता है नॉर्मल बीपी का प्रमाण कितना है शरीर में 190 आणि सिम्पटम्स म्हणजे दोन्हींचे पण बऱ्याच वेळेला सेम असतात म्हणजे जसं की चक्कर वगैरे येणं या सगळ्या गोष्टी मग तेव्हा आपल्याला फर्स्ट ऑफ ऑल काय बीपी चेक करावा लागतो हर गाव में जाके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे कि मतलब जो नॉर्मली एपी फर्स्ट एड किट के बारे में उनको सिखाना अभी डायरेक्टली हमें गाँव में कैसा होता है कि डायरेक्टली डॉक्टर्स नहीं मिलते तो फिर हम अगर चक्कर आ रही है अचानक से तो फिर क्या करना है उस टाइम पे पेशेंट को कैसे हैंडल करना है तब तक अभी डॉक्टर आने तक हम कैसे उनको ठीक कर सकते हैं हमारे नॉर्मल लेवल पे तो अभी हम इस लड़की का अभी बीपी चेक कर रहे हैं तो नॉर्मली हमारे बॉडी का जो बीपी है 120/80 ऐसा रहना चाहिए तो अभी हम देखते हैं इसका बीपी कितना है वो प्रोसेस हम अभी कर रहे हैं कफ जो है वो टाइट कर लेना है और दो उंगलियाँ जाएगी वैसा टाइट कर लेना है मतलब ज़्यादा ढीला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा फिट भी नहीं चाहिए रूरल एरियाज है यहाँ पे आसपास नज़दीक में कोई अस्पताल नहीं है तो उसके पहले उस चीज़ के बारे में हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं तो इसमें जैसे कि किसी पेशेंट का बीपी हाई हो रहा है या उसको अटैक आ रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये हम उनको बताते हैं थ्रू प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के साथ में सबसे पहला तो इम्पैक्ट ऐसा होगा कि उसकी उम्र वो लड़की के 8 या 10 साल बढ़ेगी ये मैं साइंटिफिकली प्रूफली बात बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इंडिया में हम देखा जाए ना तो एवरेजली 17 से 21 साल में 80% लड़कियों की शादी होती है और 17 से 21 साल में इतनी मैच्योरिटी वो लड़की में नहीं आती है जैसे कि गायनेकोलॉजिकल डिसीज है और वो शर्माती है बहुत जगह हमने देखा है कि गांव विलेज में डॉक्टर भी कभी कभी पेशेंट को ये बनाते हैं थोड़ा सा नॉलेज ना होने की वजह से उनको डर पैदा कर देते हैं उनके इसमें तो ये सब जो चीज़ें वो खुद पहले सीखेंगी और जब वो खुद सीखी तो उसके परिवार में सब वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा मेरा नाम उजेफा मजीद है कि मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हूँ हमारा गांव अड़गाँव खुर्द है और हमारे गांव में रहते हैं हमको शीतल मैम और रोहिणी मैम ने सिखाया है कि आरोग्य के विषय पर कैसे स्वच्छता के पालन करना है और हम उसका पालन का नियोजन कर रहे हैं हमारे घर में बूढ़े और बड़े लोग रहते हैं उनकी बीपी लो करने के लिए हमने उनको बीपी लो हमने उनका बीपी चेक किया है और हमको उम्मीद है कि हम ऐसे ही पास होते रहेंगे माझं नाव रूपाली सीताराम कुबेर आहे मी आडगावची राहणारी आहे या याच्यात शीतल मॅडम आणि रोहिणी मॅडमनी खूप छान प्रकारे माहिती दिलेली आहे आरोग्याबद्दल कसे राहायचे म्हणजे स्वच्छता कशी ठेवायची वगैरे ते सगळं सांगितलं हॉस्पिटल नसल्यामुळे तिथपर्यंत म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये पोहोचण्यापर्यंत काय करावे थोड्या टायमासाठी ते सांगितलं परत त्यामुळे आम्हाला खूप फायदा होतो आहे आम्ही ते त्यांच्याकडून इथं ते सांगता आम्हाला ते टीच म्हणजे ते माहिती मिळून आम्ही आमच्या घरच्यांना पण सांगतो हमारे पास पहिले स्टार्टिंगमध्ये 5 महिला और 5 लड़की आई थी तो 5 लड़कियों को देख के बाद में 10, 15 और 20 हमारे एक एक स्पॉट पे अभी 20 से ऊपर लड़कियां हैं मुझे कहने के लिए गर्व होता है हमें स्टार्टिंग में 20 या 25 टारगेट दिया गया था लेकिन हमने सोचा कि इसमें स्कोप है हम कर सकते तो विलेज में हम जाके मॉर्निंग में इवनिंग में जाके प्रमोट किए लोगों को तो वो ऑटोमेटिकली लोग जुड़ने की वजह से अभी हमारा 480 का टारगेट औरंगाबाद का है CHW का और आगे के अगर बैच मिलती है तो नेक्स्ट 3 महीने के बाद भी हम 500 सोचना चाहेंगे
हमें इन्हें अभी थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदिक हेल्थ छोटा छोटा प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भी हम देना चाहेंगे। ब्लड है ना।